सबके लिए दावत रखी, सब लोगों ने खानदान के लोगों ने बोले बच्चे पे दावत रखा, क्या खुशी है बताया, बोले मुझे कैसी चीज़ मिलेगी, मेरे साथ मीडिया उस पर आएगी, बोले संदूक से हीरा रखा था, पूरे खानदान को जमा किया, बीच में संदूक खोला तो हीरे के दो टुकड़े थे, उन्होंने जब देखा दो टुकड़े हो गए हीरे के, ये अचानक किसी के दो टुकड़े हुए तो अंदर से आवाज आई, क्यों जालिम बेकुल, जब कुमार ने उठा, कुमार ने उठाया गधे वाले ने, तो वो कुमार था, कुमार उसको पता नहीं था कि मैं क्या हूँ, उसने कांच का टुकड़ा समझ कर मेरे को गधे के गले में टांग दिया, उसने जब मल्ला को दिया, वो नाव चलाने वाला था, मल्ला था, उसको भी पता नहीं था, उसने सिग्नल के लिए बस ऊपर मुझे नाव के ऊपर लटका दिया, मगर मेरा कलेजा तब फटा कि जब तुझे मालूम था कि मैं तेरी कम से कम कीमत तो सही लगाना था, जब तुझे मालूम था मैं इतना इतना कीमती हीरा हूँ, तूने सिर्फ 50,000 दिनार में खरीदा, वो मेरी कीमत सुन के मेरा कलेजा फट गया, तो इसीलिए तो सीने से जलन नहीं जाती, कहने का इसीलिए तो सीने से जलन नहीं जाती, वे कदरों को जो सीने में बसा रखा है, तो यहाँ हमारा जमा होना ये अलग बात है, आप हमारे अमल आवरी पर ध्यान दो, हम किस तरह से हमारे ऐलानात को हमारी स्कीमों को अमल में लाते हैं, तुम ये देखो, अपना सर्वे लो, अपना जायज़ा लो, दोस्तों आइए मैं आपको इस प्रोग्राम के मकासिद की तरफ आपको ले चलता हूँ, उससे पहले दोस्तों आओ मैं आपको इस प्रोग्राम के और इस स्कीम के अहम नुकात की तरफ ले चलता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, हम किस मुद्दे पर पूरे गांव लेवल पर ये काम कर रहे हैं, हमारे मकासिद क्या है, हमारे गांव वालों के इससे क्या फ़ायदा है, हम ये इसकी तरफ आपको ले चलते हैं। आइए मैल केदर सोसाइटी के हमारे सदर डॉक्टर शेख दानिश को इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि नहीं फिक्र हमें अपनी ज़िंदगी के लिए, हम जी रहे हैं ज़माने में आप ही के लिए, और हमारी महफिल में चिरागों का कोई काम नहीं, तेरा ख्याल ही काफ़ी है रोशनी के लिए, डॉक्टर शेख दानिश। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। स्टेज पे बैठे हुए अलकिदो सोसाइटी के तमाम ही मेहमान, स्टेज पे बैठे हुए अलकिदो सोसाइटी के तमाम ही मेहमान, हमारे बड़े जनाब रईस सर और आए हुए तमाम ही सामान हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टीवी रखी हुई है, मगर असल में ये हुआ कि मेरे हाथ से पेन ड्राइव कहीं गिर गया, इसकी वजह से वो टीवी पे एक 3 मिनट की वीडियो हम बताने वाले थे आपको। 15 दिसंबर को हमने एक वीडियो जारी किया था, जिसके अंदर हमने वादा किया था कि हम लोगों को एजुकेशन लोन देंगे, और वही 3 मिनट की वीडियो हम टीवी पे दिखाने वाले थे, पेट्रोल ना होने की वजह से। मैं आपको तो मेरे जबान के जरिए ही आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर रिक्शा चालक, स्त्री लोग, हर प्रकार के लोग जमा हुए हैं। जहाँ तक नजर जा रही है मुझे अच्छा लग रहा है। अभी
नौ बज रहे हैं, रात के नौ बज रहे हैं, सर्दी एकदम अचानक बढ़ गई। अभी भाई आप हंस रहे हैं, एकदम अचानक बढ़ गई है, मगर फिर भी इतनी तादाद में जितनी हमने कुर्सियां मंगाई थी उससे ज्यादा लोग यहाँ जमा है। आपके इस जमने को मेरा दिल से सलाम। मैं मेरी बात इस शेर से शुरू करूंगा जिसमें मैं आप सबको जोड़ता हूँ। इस शेर के जरिए मैं इस स्पीच को और मेरी आने वाली तकरीर को बिल्कुल शुरू करूंगा, मगर इस शेर के अंदर आपको हर किसी को शामिल होना है। क्या होना है? हर किसी को शामिल होना है राहुल भाई। तो इस शेर के एहसास को खुद अपने कुचलना पड़ा मुझे, एहसास को इरफान भाई हमें किया। ये जितने भी बिस्तरी लोग हैं जो अपने नफ्स को मारते हैं, अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं, और वो किस तरह जिंदगी आगे अपनी जिंदगी बना रहे हैं, इतनी मुश्किल से बना रहे हैं, तो एहसास को खुद अपने कुचलना पड़ा मुझे, एहसास को खुद अपने कुचलना पड़ा मुझे, चलती हवा के साथ में चलना पड़ा मुझे, एहसास को खुद अपने कुचलना पड़ा मुझे, चलती हवा के साथ में चलना पड़ा मुझे। अब तक तो मैं जी रहा था बड़े ही उसूल से, अब तक तो मैं जी रहा था बड़े ही उसूल से, दुनिया बदल गई तो बदलना पड़ा मुझे, दुनिया बदल गई तो बदलना पड़ा मुझे। और फिर भाई सबकी नजर दुनिया बदल गई तो बदलना पड़ा मुझे, और घर के तमाम लोगों का जिम्मा था मेरे सर, घर के तमाम लोगों का जिम्मा था मेरे सर, बुझने लगे चिराग तो जलना पड़ा मुझे। नाज़रीन हज़रात, आप बखूबी जानते हैं कि अल खिज़र सोसाइटी एक मकसद के तहत मैसूर शहर में काम कर रही है। आगे अल खिज़र सोसाइटी एक मकसद के तहत मैसूर शहर में काम कर रही है। वो मकसद ये है कि किसी मिस्त्री का बेटा मिस्त्री ना बने, किसी पेंटर का बेटा पेंटर ना बने, किसी रिक्शा चालक का बेटा रिक्शा चालक ना बने, किसी हम्माल का बेटा हम्माल ना बने। ऐसा नहीं है कि मिस्त्री काम खराब है, हम्माल काम खराब है, बल्कि हर बाप की ये ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुझसे ऊपर जाए, मेरा बेटा उससे ऊपर जाए, जिस तरह मैंने मुसीबत से बचपन से लेकर इस उम्र तक जिस तरह मुसीबत झेला हूँ, मेरे बेटे को उस तरह की मुसीबत झेलना ना पड़े। हर बाप की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुझसे ऊपर जाए। तो नाजरीन, आज अल खिज़र सोसाइटी ने हर बाप की हर बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जमाना बदल रहा है, जमाना रफ्तार से बदल रहा है, 5G 4G 3G 5G 6G 7G कंप्यूटराइज जमाना आ रहा है, मगर आप कैसे बदलेंगे, आप कैसे बदलेंगे? तो इस आपको बदलने के लिए अल खिज़र सोसाइटी ने एजुकेशन लोन की स्कीम लाई, एजुकेशन लोन की, कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो 12वीं के बाद अल खिज़र सोसाइटी आपको 50,000 से 1,00,000 तक कर्ज देंगे, 50,000 से 1,00,000 तक कर्ज देंगी, कि आप अपने अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके, 50,000 से 1,00,000 के पढ़ा सके। के अंदर बहुत से ऐसे कोर्स है, आईटीआई है सर, डीएड है, बीएड है, बीफॉर्म है, बहुत से ऐसे कोर्स है कि जो 1,00,000 के कोर्स में हो सकते हैं, और 1,00,000 के ऊपर के जो कोर्स है तो कुछ रकम आप दान दो, कुछ रकम हम दान देंगे, तो वो भी मुकम्मल हो सकते हैं, मगर बात वहीं आगे रुकती है। भाई मैं चाहता हूँ, मेरी घरवाली चाहती है, मेरा बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ू, मगर पैसा ना होने की सूरत में हम पढ़ नहीं पाते, पैसा ना होने की सूरत में हम नहीं पढ़ नहीं पाते। तो अल
सोसाइटी ने आपके लिए 50,000 से 1,00,000 तक स्कीम लाई है। अब स्कीम है कैसे, इसकी डिटेल बताने के लिए ही मैं आज यहाँ आया हूँ और अल्किजन सोसाइटी के तमाम मेहमान आए हुए हैं। ये स्कीम के अंदर आपको इसका सदस्य बनना पड़ेगा और सदस्य बनने के लिए आपको 200 रुपये लगेंगे। किराए में कितने लगेंगे? 200 रुपये लगेंगे और हर माह आपको 1,000 रुपये देना होगा। हर माह आपको 1,000 रुपये देना होगा। आप जब इस स्कीम से जुड़ेंगे 200 रुपये में आप सदस्यता लेंगे तो आपको पहले महीने 1,000 रुपये भरना है, दूसरे महीने 1,000 रुपये भरना है, तीसरे महीने 1,000 रुपये भरना है और फिर भाई 3 महीने तक आपको 1,000 रुपये भरना है। मतलब आपके अकाउंट में कितने रुपये आ गए? 3,000 रुपये आ गए। अल खिजर सोसाइटी आपको आपके अकाउंट में 3,000 रुपये जब जमा होंगे आपको 30,000 रुपये कर्ज देंगे। कितने रुपये कर्ज देंगे? 30,000 रुपये कर देंगे। आइए हाथ भाई आइए, 30,000 रुपये कर देंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि आपको 30,000 में कुछ नहीं होगा तो आप पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना 30,000 कर्ज नहीं ले रहे। चौथा महीना आ गया, आपने अमाउंट भरे, आपके खाते में हो गए 4,000 रुपये। पांचवा महीना आया, आपने 1,000 रुपये भरे, आपके खाते में हो गए 1,000 रुपये। अभी आपके खाते में 5 महीने में 5,000 रुपये जमा हुए। आपके खाते में 5 महीने में 5,000 रुपये जमा हुए। हम आपको 50,000 रुपये कर देंगे। हम आपको 50,000 रुपये कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, दूर से शाकिर मौलाना भी सुन रहे हैं वहां से, और मेरा भाई मुस्तकीम जो पिछले दिनों रिक्शा चलाता था मगर आज किसी कारण उसने कोई दूसरी दुकान डाल लिया, वो भी सुन रहा है, वो मुझे हाथ दे रहा है वहां से, तो मैं मुस्तकीम साहब मैं आपको भी बताऊं कि 5 महीने बाद आपको हम 50,000 रुपये देंगे। कितने देंगे? 50,000 रुपये देंगे। अब आपको लगता है कि 50,000 में क्या हो रहा, कौन से कौन सो रहे उनसे कौन सो रहा, तो आपको और वेट करना होगा। छठा महीना, सातवां महीना, आठवां महीना, नौवां महीना, दसवां महीना, 10 महीने तक आप वेट कीजिए। जब आपके अकाउंट में 10 महीने के बाद 10,000 रुपये जमा हो जाएंगे, हर महीने 1,000 रुपये देंगे तो कितने जमा हो जाएंगे? 10,000 रुपये जमा हो जाएंगे। तो अल खिजर सोसाइटी आपको 1,00,000 रुपये कर देंगी। कितने रुपये देंगी? 1,00,000 रुपये कर देंगी, जिससे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी तालीम दे सकते हैं। अब 1,00,000 रुपये मिले, अब आप सोचेंगे कि आपको दे देंगे? नहीं, आप हमारे पास प्रस्ताव देंगे कि हम अपने बच्चों को लिए कोर्स कराने वाले हैं, बीएड कराने वाले हैं, ये कराने वाले हैं, आईटीआई कराने वाले हैं, बीफॉर्म कराने वाले हैं, बीफॉर्म कराने वाले हैं, जो भी 1,00,000 रुपए के अंदर जो जो कोर्सेस होते हैं वो कराने वाले हैं। हम खुद आपके बच्चे को लेकर जाकर हम हमारी सोसाइटी के तमाम मेहमान वहाँ जाकर उनका एडमिशन कराएंगे और उनको बिल्कुल आगे की नहीं बताएंगे। अब ऐसा भी नहीं कि आप बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को ट्रेड कराना है, तो हमने उसका भी उपाय निकाला है। ये अभी क्या हो रहा है, ये हर बच्चा गेट की तरफ चला जा रहा, हर बच्चा फॉर्म की तरफ चला जा रहा, फिर क्या हो रहा, उसके बच्चा हो जा रहा, बीएड को अभी वैकेंसी नहीं है। तो एक 3 महीने बाद, 6 महीने बाद एक करियर गाइडेंस का प्रोग्राम होगा। करियर गाइडेंस का प्रोग्राम होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से कोर्स अच्छे हैं, आप कर सकते हैं। दूसरा कि एक टीचर ऐसे वहाँ पर मुंतखब किए जाएंगे जो आपके बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, आपके बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे। मतलब आपने सदस्यता ले लिए, 200 रुपये भरकर हर महीने 1,000 रुपये भर रहे हैं ना, मतलब 1,000 रुपये भर रहे हैं, मतलब आपको आपके बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ाना है। तो हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई कि वह कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से माँ बाप ने हिस्सा ले चुके। अब जितने माँ बापों ने, जितने बच्चों ने हमारे पास हिस्सा ले लिए,
हम उनको इनवाइट करेंगे वो प्रोग्राम के अंदर, वो प्रोग्राम के अंदर इनवाइट करने के बाद एक पेपर दिया जाएगा जिसके अंदर लिखा जाएगा डिप्लोमा बीएड पीएड आईटीआई फार्मेसी कितने भी कोर्सेज है और वो कॉलम के बिल्कुल सामने एक निशान देने का मतलब एमसीक्यू टाइप एक बॉक्स बनाया जाएगा जिसमें आप टिक करेंगे, क्या करेंगे टिक करेंगे। जैसे आपके बच्चे को टीएड कराना है तो आपका बच्चा उस प्रोग्राम में मौजूद रहेगा और वो टिक करेगा असम सर अंदर वो टिक करेगा कि मुझे टीएड करना है या आईटीआई करना है तो वो जो जो चीजों पर टिक करेगा जो जो कोर्स करना है उसके दिमाग में अभी चल रहा है कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए। तो जो हमारे पास जो ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा वो उस प्रोग्राम के अंदर वो टिक करने के बाद पूरे कागजात जमा कर लिए जाएंगे और वो ऑब्जर्वर हर पेज के ऊपर एक पेज निकालेगा, नाम पड़ेगा उमर उमर शेख अमीर हाँ बच्चे खड़े रहिए आपने आपके कागज पर टिक करा था कि आप डीएड करना चाहते हैं, आप क्यों डीएड करना चाहते हैं वो उससे क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन करने के बाद उसके एफिडेविट देखेंगे उनसे वो क्वेश्चन करेंगे क्या जवाब देता उनके एतबार से उन्हें जो लगेगा उस प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे और उसके बाद अमीर मिस्त्री को बुलाया जाएगा कि देखो आपके बच्चे ने डीएड का प्रस्ताव पर टिक किया था कि वो डीएड करना चाहता मगर हमारा ये कहना है कि हमने ऑफर ये की कि वो आईटीआई के लिए अच्छा है, आईटीआई के लिए अच्छा है तो हम बच्चों को करियर गाइडेंस के प्रोग्राम भी कराएंगे साथ में जिसमें जो एबिलिटी है वो जो कोर्स में जा सकता है वो कोर्स तक उसे पहुंचाएंगे। अब इस बैंक से इस स्कीम से जुड़ने के लिए आपको ₹1000 महीना देना है, कितने देना है ₹1000। अभी कहता है कि ₹1000 सुनने में बहुत भारी लगते ₹32 रोज, कितने रुपये रोज ₹32 रोज और ₹32 रोज पे हम आपको 3 महीने बाद ₹30,000 दे रहे हैं, ₹32 रोज देने के बाद हम आपको 5 महीने में ₹50,000 दे रहे हैं, ₹32 रोज देने के बाद हम आपको 10 महीने बाद ₹1,00,000 दे रहे हैं। तो आपको ₹32 हार्ड दिख रहे हैं, हमको ₹1,00,000 हार्ड नहीं दिख रहे, आपको ₹32 हार्ड दिख रहे है ना। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, मैं हर बार ये किस्सा अक्सर कर सबको सुनाता है ये किस्सा, तो आप ये किस्सा सुनिए। ये पिछले दिनों मैं हमारे स्टोर में कपड़े खरीदने के लिए गया, हमारे स्टोर में कपड़े खरीदने के लिए गया। अब जब मैं हमारे स्टोर में कपड़े खरीदने के लिए गया तो मेरा कपड़ा खरीदना हो गया, बस मैं बिल का वेट कर रहा कि बिल आएगा और मैं यहाँ से निकलूँगा। उतने में जावेद भाई मेरा एक दोस्त मिला, बचपन का दोस्त था, पूछने लगा डॉक्टर साहब किधर, मैंने मैं कपड़े लेने के लिए आया था, कपड़े लेने के आया के लिए आया था, मैंने तू किधर, उसने बोला मतलब मैं मेरी वाइफ को बच्चों के कपड़े लेने के लिए लेकर आया हूँ। तो उसने के अंदर हमारी गुफ्तगु चल रही है, बचपन के दोस्त है, बचपन की बातें चल रही है, बिल आया, बिल कुछ 5,000 के आसपास था, 47-48,000 रुपये आज भाई कितने रुपये था 48,000 या 47,000 ऐसा कुछ बिल बना हुआ था। मैंने बिल लिया, बिल लेने के बाद उसके हाथ हाथ डाला, पैसे निकाला और बिल पेड कर दिया। वो मेरा दोस्त मेरे को कहता तू डॉक्टर है तेरे को क्या कमी, तू डॉक्टर है तेरे को क्या कमी, तू 5,000 की जगह 10,000 रुपये का कपड़े लेंगे, कितने लेगा 5,000 की जगह 10,000 रुपये का कपड़े लेगा। तो मैंने बोला तेरे मुँह में क्या है, बोले विमल अरे कितनी खाता, तो बोले 10 से 12 कितने रुपए की, तो बोले 100 से 120 रुपए की। तो मैंने बोला कि 100 से 120 रुपए की तू विमल खा रहा, तू 100 मत पकड़ 80 रुपए पकड़, 80 रुपए मतलब तू 8 पूड़ी रोज खा रहा, कितनी पूड़ी खा रहा 8 पूड़ी खा रहा, चाय कितनी पीता, बोले 2-4 पी लेता। बोले मैंने ये भी हिसाब कर लिया कि अगर तू रोज की 8 पूड़ी खा रहा, 80 रुपए की तू पूड़ी खा रहा, महीने भर का अगर हिसाब लगाया जाए तो तू 2,500 रुपए की पूड़ी खा रहा, कितने रुपए की पानी 2,500 रुपए की पूड़ी खा रहा और चाय वगैरह पीला तो वो भी तेरे 30-25 रुपए का चाय है तो वो भी अलग पूरा टोटल मारा जाए तो तू 3,000 से 3,500 रुपए अपनी जात पे खर्चा कर रहा और वो जात पे जिसको नफा पहुंचाना चाहिए तो उसको नुकसान पहुंचा रहा। अब वही पैसों के मैं कपड़े खरीद रहा तो तू सही कि मैं सही, बताओ वो सही कि मैं सही,
मैं भी पूरी खाता था। देखो आज पूरी छोड़ने को 5 साल हो गए। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमको बहुत सी जगह पैसे हार लगते, 1000 रुपए महीना कौन भरेगा, ना कौन निकम में कमे पड़ेगा, 1000 रुपए कौन भरेगा, ना कौन निकम में कमे पड़ेगा, मगर ये नहीं देखते कि हम अपनी जात से ऐसे ऐसे पैसे खर्चा कर रहे, ऐसी जगह पैसे खर्चा कर रहे जिससे हमारी जात को नुकसान हो रहा। तो मेरे भाइयों, बस मेरा इतना कहना है कि इस स्कीम से कौन कौन जुड़ेगा, बिल्कुल हाथ उठाकर एक बार कहते कि हम इस स्कीम से जुड़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि चौक में हमारा प्रोग्राम करना सक्सेस हुआ। कौन कौन जुड़ेगा भाई, कौन कौन जुड़ेगा? सब जुड़ेंगे मेरे भाइयों, सब जुड़ेंगे। अब दूसरी बात कि मैंने आपको कह दिया कि हम आपको 30,000 रुपये देंगे, हम आपको 40,000 रुपये देंगे, हम आपको 1,00,000 रुपये देंगे, मगर ये हम तो कह तो दिए, मगर एक इसका सिस्टम भी है। क्या है सिस्टम? ये किसे जुड़ना कैसा है? जब तुम आएंगे ना कहेंगे कि 30,000 रुपये दे दो, तो ऐसा कोई पैसे लेके कोई बैठा नहीं, ना पैसा कोई दे रहा नहीं, ऐसा तो बोझ नहीं ले रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने एक सिस्टम बनाए हुए हैं, अतवर हमने सिस्टम बनाए हुए हैं, एक इसके उसूल बनाए हुए हैं कि आपको 200 रुपये से 200 रुपये भर कर इसकी सदस्यता लेना है। और साथ में देखो हमारी बहुत सी बैंक चलती है, एक हमारी एक ही गैरसूची बैंक भी चलती है। एक ही गैरसूची बैंक से आज फैजपुर शहर के अंदर हम लोगों को शादियों के लिए कर्ज देते हैं, हम लोगों को बीमारी के लिए कर्ज देते हैं, हमने कई लोगों को शादी के लिए कर्ज दिया है, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 30,000, 20,000, 10,000। हर इस्लामपुरी का अगर मामला देखेंगे तो हर एक तो घर के हार के अंदर हमारे पास तो बुक है, और किसी ने 30 ली है, किसी ने 40 ली है, किसी ने 50 ली है। तो उसके अंदर हमने 10 लोगों का सिस्टम रखे थे कि आपको 10 लोग एक साथ जोड़ना है, मगर एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको 5 लोगों का ग्रुप बनाना होगा। कितने लोगों का? 5 लोगों का ग्रुप बनाना होगा, और आपको 5 लोगों का ग्रुप आपका बनेगा, 5 लोगों का ग्रुप बनने के बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। कितने लोगों का? सिंगल इंसान आकर हमको तकलीफ देना नहीं, 5 लोगों को ग्रुप बनाने के बाद हम उनको मीटिंग करने के बाद उनको पूरा डिटेल बताते। ये तो मैंने यहाँ बता दिया आपको, ऐसा कोई दूसरी डिटेल नहीं बताते, ये जो बताया वही डिटेल रहेगी, कर दी जाएगी कि आपका सिंगल खाता नहीं खुलेगा, आपको 5 लोगों के साथ में ही खाता खुलेगा। अगर आप 5 लोग, बुरा भाई आप लेट हो गए, 5 लोग एक साथ खाता खोलेंगे, कितने साथ खोलेंगे? एक साथ खाता खोलेंगे, और आप ये बोलेंगे कि हमको सबको पैसा होना तो हम एक साथ सबको पैसा देंगे। ऐसा नहीं कि मैं 5 लोगों ने खाता खोल लिया, आप बोले एक को देंगे, अभी दूसरे को देंगे, अभी तीसरे को देंगे, नहीं। अगर आपने 5 लोग ग्रुप बनाकर खाता खोला है तो आपको 5 लोगों को एक साथ कर्ज दिया जाएगा। शर्त ये रहेंगी कि आपको आपके बच्चे को पढ़ाना होगा, और आपका बच्चे का जो भी एडमिशन कराना, जो भी आपका दिल में है कि आपको जो कोर्सेज कराना है वो हमको उसकी डिटेल ला कर देना होगा। तो समझ में आ गया भाइयों, सबको समझ में आ गया? तो इतना कहकर इस शेर से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि डुबाते हुए मंजर से निकल आते हैं, लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं, बेसबब हमको ना दबाने की कोशिश करना, हम वो सबसे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। अल्लाह हाजरीन, डॉक्टर दानिश की जो गर्म जोशी है वो एक नई स्कीम, रोज एक नए सफर को ये जो उठकर चला जाता है, ये कम उम्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने सामाजिक काम हैं। मेरे जहन में इसके लिए एक शेर आया कि वक्त से पहले कई हादसों से लड़ा है, ये अपनी उम्र से कई साल बड़ा है। हाजरीन, आदमी जब तक तजुर्बात की वादियों में
सीने के बल चल ना ले तब तक वो डॉक्टर दानिश नहीं बन सकता। दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर दानिश की खिदमत बोल रही है, अलकेदर की खिदमत बोल रही है। आइए दोस्तों, मैं उसी तरह हमारी संस्था की एक अहम शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाला हूँ, जो आज हमारी संस्था की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मेरे मोहतरम दोस्त एजाज सर को इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ कि आत्मा अपने घराने में रखा जाता है और हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। आत्मा अपने घराने में रखा जाता है और हमें आखिरी खाने में रखा जाता है और खुद को आंखों में सजाए हुए निकला ना करो, कीमती माल खजाने में रखा जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम अलकदर सोसाइटी के मेम्बरान और सदर और बज़िफ़े अदब स्कूल के हेडमास्टर रहीम जनाब और तमाम मेरे अजीज दोस्तों और चचा, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम है, ये जो नौयत पे हमने रखे हैं, एजुकेशन लो, इल्म और तालीम हासिल करने के लिए आपको जो माशी कंडीशन से सामना करना पड़ रहा है, तो ये चैलेंज को कैसे आप हल करेंगे। एक शायर अल्लामा इकबाल साहब ने बड़ा एक शेर कहा है कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इतना से हुआ था। दुनिया में जो पहली आयत उतरी इकरा बिस्मि रब्बिक खलक, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। और आप जब तक अपने आने वाले बच्चों को, आने वाली नस्ल को इल्म की तरह अब इल्म की आगे सलाहियतों पे जोर नहीं करेंगे, तो हमारा जो माशरा है और जो माहौल है वो तरबती याफ्ता नहीं हो सकता, वो तालीमी नहीं हो सकता। आपको तालीमी याफ्ता और तरबती याफ्ता माहौल बनाने के लिए हमारे बच्चों को एजुकेशन के अंदर झोंकना होगा और आने वाले मसाइल जो हमें पेश आते हैं उनको हल करने के लिए एजुकेशन के अंदर झोंकना होगा। क्योंकि इल्म एक ऐसा है कि आप अगर इल्म शेरनी का ऐसा दूध है कि अगर इसको जो पीता है वो दहाड़ता है, उसको कोई दबा नहीं सकता, कोई नहीं दबा सकता। क्योंकि एजुकेशन इंसान को पावर देता है, खुद अजमाजी देता है, ताकत देता है, सलाहियत देता है, हराम और हलाल की पहचान देता है, सही क्या है गलत क्या है ये देता है, हमारे बड़ों की इज्जत करना सिखाता है, हमारे वालिदैन की इज्जत करना सिखाता है, माहौल में किस तरह हम रहेंगे ये सिखाता है, आने वाली पीढ़ी को किस तरह रहनुमाई करना चाहिए ये सिखाता है, गुलामी नहीं सिखाता है और हमको गुलामी नहीं करना भी है। हम ये देखना चाहते हैं, हमारी संस्था ये देखना चाहती है कि आने वाले समय में फैजपुर के अंदर हर बच्चा हर आने वाले समय में खुद मुख्तार हो, ताकि वो अपनी जंग खुद लड़े, दूसरे पर डिपेंड ना हो कि मैं अपने फनों की बुलंदियों से काम ले लूँगा और मुझे मकाम ना, तो मैं खुद मकाम ले लूँगा। किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। इल्म हासिल करो, अपना मकसद खुद बनाओ, अपने वालिदैन की इबादत करो, अपने वालिदैन को इज्जत दो, अपने माशरे को इज्जत दो, अपने माशरे में ऐसी ऐसी चीज़ें लाओ जो आने वाले समय पर अपने माशरे को फ़ायदा दे। इस तरह पर और इस राह पर हमवार हो, और हमारा मकसद यही है कि जो लोग आपके सामने बैठे हैं और हमारे इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि फैजपुर में हमें एक नई दिशा कायम करना है, जो एजुकेशन की हो और तहजीब की हो, समाजी हो, तमद्दुम हो, बड़ों की इज्जत हो। गुलामी हमको इससे निकालना है, हमको किसी गुलामी करने की ज़रूरत नहीं, हमको खुद मुख्तार होना है, हमारे चैलेंजेस खुद हल करना है। इसीलिए हमने ये लोन लाए, आप इस पर आईटीआई कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं। एक लाइन है जो मेरे मौजूद सदर हमारे उनके जहन से निकल गई, वकालत। आप वकालत भी सीख, आप वकालत सीख कर अपने मसले मसाइल खुद हल करो, ताकि जो हमारे आने वाले चैलेंजेस हैं, हमको तुमको मालूम है पहली से आठवीं की जो स्कॉलरशिप है बड़े जनाब कैंसिल कर दी गई है। क्या मंसूबे हैं? एजुकेशन से जो रोका जा रहा है, तालीम तो दूर रखा जा रहा है, मगर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और अब कहने की ज़रूरत नहीं, करने की ज़रूरत है। काय की ज़रूरत है? करके दिखाने की ज़रूरत है। हाँ, और मैं यहाँ पर अपने जो पेरेंट्स बैठे हैं, जो अपने बच्चों की रहनुमाई करते हैं, अगर कोई बच्चे को कामयाब बनना है तो तीन हिस्सों का बहुत होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे अहम हिस्सा जो है पेरेंट्स का है। अगर आप अपने बच्चे की रहनुमाई नहीं सही करेंगे तो आपके बच्चे सही तरह तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए उन पर नज़र रखें।
हमको सही तालीम और सही गाइडेंस की जरूरत है, उसके बाद सही उस्ताद की जरूरत है, और उसके बाद कोई तीसरा बच्चा जो तालीम हासिल करता है, ये तीन चीज़ें मिलकर एक कामयाब स्टूडेंट बनता है। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, जिनके भी बच्चे आने वाले समय पर 11, 12 पास होने के बाद एजुकेशन हासिल करेंगे, तो अपने बच्चों पर अच्छी नज़र रखें, ताकि वो अच्छा इल्म हासिल कर कर आने वाले चैलेंजरों को और चैलेंजर्स को मसला हल करें और अपने कामयाबी का लोहा मनवाएं। मैं एक चीज़ ये बात हीरोस में और डालना चाहता हूँ कि हम आपको ये चीज ये लोन इसलिए आए कि आप खुद मुख्तार हो, खुद मुख्तार अपने फैसले खुद लेने की सलाहियत रखें। हमें गुलामी नहीं करना है, हमें एजुकेशन की तरक्की पे आहवार होना है, आगे बढ़ना है, ताकि इल्म हासिल कर कर हम हमारे समाज तहजीब और तमद्दुन को आगे बढ़ाएं। और हमारी दुनिया में सबसे पहली आयत भी उतरी, मैंने इससे पहले बोला इकरा, हमने वो लाइन छोड़ दी है। इसके लिए तालीम हासिल करेंगे, यहाँ पर दिशा चालक भी है, अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो आप रिक्शा ना चलाओ, हो सके आने वाले समय पर आपका बच्चा रिक्शा बनाने वाला बने। हम ये चाहते हैं कि आप कोई मजदूर छोटा नहीं होता, मगर ये है कि आने वाले 40-45 साल के बाद हम एक वक्त में जाकर हमारी उम्रें जवाब दे देती है, हमारा फ्यूचर प्लानिंग जवाब दे देता है, हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। इसके लिए जो भी 300-400 रुपए रोज कमाते हैं तो अपना फ्यूचर प्लानिंग सही करें। आपको एक मिसाल देता हूँ, गूगल गाय बोलते हैं, बरसात के अंदर हमने देखे होंगे, हम बोलते हैं लाल गाय, बोलते हैं ना लाल गाय, दरवाजा खोलते रहे, मेहमान आए, बचपन में हमने देखे, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं गूगल गाय। कितनी स्लो चलती है उसको मालूम है, उसकी रफ्तार की कीमत की रफ्तार कितनी स्लो है, मगर उसको गर्मी खत्म होने के बाद बरसात के अंदर अपना दरख्तों पर चढ़ना शुरू करती है, क्योंकि उसको दरख्तों के ऊपर जाना है, उसको मालूम है कि मेरी रफ्तार कमज़ोर है। इसके लिए वो बरसात के पहले महीने के अंदर ही सफ़र शुरू कर देती है, और बरसात के चौथे महीने के अंदर उसका सफ़र ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो गर्मी के अंदर सफ़र शुरू करेंगे तो बरसात की हवा आंधी के अंदर उसका घर बिखर जाएगा, तो इसीलिए वो बरसात के अंदर सफ़र शुरू करती है और सर्दियों के अंदर सब पौधों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी करती है। इसके लिए फ्यूचर प्लानिंग जो है सही करो, अपने बच्चों के लिए करो, ताकि आने वाले समय पर वो एजुकेशन की तरफ हमवार हो और आपको इज्जत दे। मैं ये पेरेंट्स को इस बार और ये चीज़ कहूँगा कि 20 साल बाद आपने आपके बच्चे से अगर किसी ने उससे पूछा कि आप किसके बच्चे हैं, तो आपने खुलकर बोलना चाहिए कि मेरा लड़का ये है, ताकि आप अपने वालिद का नाम ना पेश करें। आप खुलकर बोलना चाहिए कि मेरा फला बच्चा ये हुआ, फला बच्चा ये हुआ। इसीलिए इंशाल्लाह हम आपके बीच में ये स्कीम लाए हैं, इस स्कीम से फ़ायदा उठाओ और हमारी एजुकेशन स्कीम को और जुड़ के अपने जो मसले मसाइल है तुम्हारे उससे हल करो, और एजुकेशन की तरफ हमवार हो और अपने बच्चों को इल्म की तरफ मुतवज्जे करो, और एक अच्छा इंसान और कामयाब इंसान और दुनिया और आखिरत में दोनों तरफ, क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। आप जीने का सलीका सीखो, तालीम और इल्म हासिल कर कर ही सीख सकते हैं। और एक शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, आपकी नज़र हमारी सबकी नज़र की बुलंदियों के सफर पर निकल कर देखूंगा, बुलंदियों के सफर पर निकल कर देखूंगा, और अगर ये फुलसरात है तो चलकर देखूंगा, और सवाल यह है कि रफ्तार किसकी कितनी है, मैं आसमान से आगे निकल कर देखूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो सोसाइटी के प्रोग्राम है, हमारे जो मकासद है, तो हमारे मंसूबे के एतबार से सिर्फ हमारा ये चौक में करने का मकसद नहीं है, हम फैजपुर शहर की हर गली में अपने प्रोग्राम लेते रहेंगे, मगर हमारी प्लानिंग, हमारी नीयत ये थी कि हम 10-10, 20-20 लोगों के को नुक्कड़ पर एक साथ जमा करके ये प्रोग्राम, और हमने लिए भी कि हमारा तकरीबन तीसरा प्रोग्राम है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 19 से ज़्यादा आपकी मौजूदगी यहाँ तकरीबन 70-80 लोग आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, 70-80 के ऊपर लोग आ चुके हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने आपकी मौजूदगी इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर आपने अपनी मौजूदगी पेश की, हमारी हौसला अफजाई की, और जो भी हमारी स्कीमें डॉक्टर साहब ने बताई, अगर ना समझी हो तो आप फ़ोन करके या खसूसी मुलाकात करके भी पूछ सकते हो हमसे, डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, एजाज सर से रब्ता कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी में के जितने भी मेम्बरान हैं, अल्ताफ खान साहब है, शेख रफीक सर है, जिनसे आप रब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आए हुए आप तमाम ही हजरात स्टेज पर जलवा अफरोज मेरे उस्ताद मोहतरम शेख रईस जनाब साहब, मोहम्मद अख्तर सर हमारी सोसाइटी के जो अहम सदस्य है,
शेख रफीक सर, डॉक्टर दानिश साहब, एजाज सर, अल्ताफ खान साहब और हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद डॉक्टर तनवीर अहमद साहब, कपिल पहलवान और जितने भी यहाँ हजरात मौजूद है, हमारे दोस्त, हमारे जो हरदिल अजीज है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम में दिया और मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। लगात करो।